एक गांव में दिशा नाम की एक लड़की अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहा करती थी। दिशा के माता पिता वेज पुलाव का ठेला लगाकर बेचा करते थे। दिशा एक 20 वर्षीय युवती थी जो दिन भर किताबों में डूबी रहती है। एक दिन उसकी माँ अनीता दीक्षा से बोली, तुम दिन भर किताबों में ही डूबी रहती हो, थोड़ा बहुत अपनी माँ के कामों में भी हाथ बटा लिया करो, विवाह के बाद ये तुम्हारे काम आएगा। ये आप कैसी बातें कर रही हैं माँ, घर का सारा कामकाज करना तो मैं जानती हूँ और मैंने आपसे भोजन बनाना भी सीखा है। पिताजी तो मेरे हाथ के बने हुए भोजन की बहुत तारीफ करते हैं, वो तो मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, लेकिन दिन भर किताबों में डूबे रहने से क्या हासिल हो जाएगा? भला आज तक किसी स्त्री को पढ़ लिख कर कुछ मिला है क्या? अंत में तो उसे विवाह के बाद चूल्हा चौका ही संभालना पड़ता है। ऐसा नहीं है माँ, अगर मैं दिन भर किताबों में डूबी रहती हूँ तो उसका भी एक कारण है। किताबें हमें बहुत कुछ सिखाती हैं माँ, मैं जीवन में कुछ नया करना चाहती हूँ। दीक्षा की बात पर अनीता दीक्षा से कुछ बोलने ही वाली थी कि तभी वहाँ पर दीक्षा के पिताजी आ गए। अरे मेरी बेटी दीक्षा बिल्कुल सही बोल रही है, अनीता उसे पढ़ने दो। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी जी कि हमें बिटिया को पढ़ा लिखा कर क्या नौकरी करवानी है, अंत में उसका विवाह ही तो करना है। ऐसा नहीं सोचते अनीता, अगर दीक्षा बिटिया शिक्षित हो जाएगी तो सोचो उसे अपनी शिक्षा से कितना फायदा पहुँचेगा, वो अपने पति के ऊपर बोझ नहीं होगी। और वैसे भी आजकल के दौर में लड़कियाँ पुरुषों से पीछे हैं क्या? वो पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही हैं। पिताजी मेरे स्कूल में 2 दिनों के लिए जंगल में टूर जा रहा है, क्या मैं जा सकती हूँ? लेकिन मैम ने 500 रुपए मांगे हैं। बेटी मैं तुम्हें कभी मना नहीं करता, लेकिन तुम तो जानती हो कि आजकल धंधा कितना मंदा हो गया है, मैं तुम्हारे स्कूल की फीस भी कितनी मुश्किलों से जमा कर पाता हूँ। टूर पर जाने के लिए स्कूल वालों ने कुछ अतिरिक्त रुपए तुमसे मांगे हैं जो इस समय मेरे पास नहीं है बेटा। रमन की बात सुनकर दीक्षा का चेहरा उतर गया। अपनी बेटी का उतरा हुआ चेहरा देखकर रमन भावुक होकर बोला, लेकिन तुम चिंता मत करो, कल मैं किसी ना किसी से पैसे उधार मांग कर तुम्हें दे दूंगा। रमन की बात सुनकर दीक्षा खुशी से चहक उठी। ये क्या जी, अब आप बिटिया के लिए पैसे भी उधार लेंगे? कोई बात नहीं, बिटिया पढ़ लिख जाएगी तो हो सकता है वो आगे चलकर हम दोनों का ही सहारा बने। लेकिन हमें परसों मकान मालिक का किराया भी देना है। अगले दिन रमन फिर से अपना ठेला लेकर बस स्टैंड के पास चला गया, मगर वो यही सोचता रहा कि आखिर वो पैसे किससे उधार मांगेगा। तभी उसे दूर से गांव का मुखिया आता हुआ नजर आया जो उसी के पास आ रहा था। नमस्ते नमस्ते मुखिया जी। अरे अरे नमस्ते नमस्ते रमन नमस्ते, और सुनाओ कैसे हो, धंधा कैसा चल रहा है तुम्हारा? बाजार अभी बहुत सुस्त पड़ा है मुखिया जी, पहले पुलाव शाम तक बिक जाता था, लेकिन अब तो कभी कभी भगोने में पुलाव ऐसे की ऐसे ही रखी रहती है। अरे अरे रमन आजकल चाइनीज फूड का दौर है, भारत में तरह तरह के व्यंजन बन रहे हैं, ऐसे में तुम्हारी देसी पुलाव कौन खाना पसंद करेगा? गांव का नक्शा पहले जैसा नहीं रहा, गांव के लोग भी बहुत बदल चुके हैं। मुखिया जी मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ हाँ बोलो, क्या बात करनी थी? मुझे आपसे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। कितने पैसे चाहिए थे? जी मुझे 2000 रुपए की जरूरत थी, वो क्या है कि कल मुझे 1500 रुपए मकान का किराया देना है और 500 रुपए बेटिया के स्कूल में जमा करने हैं। अरे तो दीक्षा बेटी की स्कूल की फीस जमा नहीं हुई क्या? जी वो तो मैंने कब की जमा कर दी मुखिया जी, क्या है कि स्कूल की तरफ से बेटिया का टूर जा रहा है जंगल, तो बेटिया का बड़ा मन है उस टूर में जाने का और स्कूल वाले 500 रुपए मांग रहे हैं। अरे तुम्हें क्या हो गया रमन, तुम्हारा धंधा वैसे ही मंदा चल रहा है, ऊपर से तुम्हें मकान का किराया भी देना है, ऐसे में बिटिया को टूर पर भेजना जरूरी है क्या? बिटिया को पेड़ पौधों से बहुत प्रेम है मुखिया जी, और वो दिन भर इसी के बारे में किताबों में पढ़ती रहती है, अगर आज शाम को मैं उसे पैसे नहीं दे पाया तो बिटिया का दिल टूट जाएगा मुखिया जी। मुखिया रमन की बात सुनकर रमन को बहुत गौर से देखने लगा। तभी मुखिया का साथी अभिमन्यु वहां पर पहुंच गया। अभिमन्यु एक खराब स्वभाव का व्यक्ति था जो मुखिया के हमेशा कान भरता रहता था। अभिमन्यु उन दोनों की बातें काफी देर से सुन रहा था।
अभिमन्यु मुखिया के कान में बोला, और सोचते क्या हो मुखिया जी, 1000 रुपए की बात है, दे दीजिए। वैसे भी रमन का ठेला कम से कम 10,000 रुपए का होगा। इस वक्त रमन का धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो आपके पैसे नहीं चुका पाएगा, उसके बदले आप उसका ठेला रख लेना, पूरे 8,000 रुपए का फायदा होगा। अभिमन्यु की बात मुखिया के दिमाग में बैठ गई। अरे ये पैसे कब तक दोगे मुझे? मुखिया जी मुझे बस 2 महीने का समय दे दीजिए। इससे पहले मैंने आपसे ना जाने कितनी बार पैसे उधार लिए हैं, लेकिन हमेशा चुका दिए हैं। अरे उस वक्त की बात अलग थी रमन, लेकिन इस वक्त की बात अलग है। मैं कुछ समझा नहीं मुखिया जी। अरे देखो रमन, आजकल सभी का धंधा बहुत मंदा चल रहा है, मेरा भी व्यापार थोड़ा सा मंदा ही चल रहा है, तो इसलिए मुझे पैसे जल्दी चाहिए। और दूसरी बात, मुझे गिरवी रखने के लिए भी कोई सामान चाहिए। मुखिया की बात सुनकर रमन बुरी तरह से चौंक पड़ा। रमन जानता था कि मुखिया अंदर से अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। रमन समझ गया कि मुखिया के कान कुछ सेकंड पहले किसी और ने नहीं बल्कि अभिमन्यु ने ही भरे थे। मगर रमन मजबूर था, क्योंकि मुखिया के अलावा गांव में कोई भी 2,000 रुपए रमन को नहीं दे सकता था। मेरे पास क्या है मुखिया जी, गिरवी रखने के लिए सिर्फ एक किराए का मकान है, और क्या आपको मेरी जुबान पर भरोसा नहीं है? अरे भरोसे के जमाने चले गए रमन, तुम्हारा ये ठेला किस दिन काम आएगा? अगर तुम मुझे 1 महीने के अंदर अंदर पैसे नहीं दे पाए तो मैं ये तुम्हारा ठेला जब्त कर लूंगा, और तुम्हें इस बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। रमन गहरी सोच में डूबता हुआ बोला, ठीक है मुखिया जी, जैसे आपकी मर्जी। मुखिया मुस्कुराता हुआ वहां से चला गया। शाम को रमन ने 500 रुपए अपनी बेटी दीक्षा को दे दिए। दीक्षा खुशी से बाहर चली गई और रमन ने सारी बात अपनी पत्नी अनीता को बता दी। ये क्या किया आपने? आपको अच्छी तरह से पता है कि अभिमन्यु अच्छे स्वभाव का व्यक्ति नहीं है। मुखिया जी एक अच्छे स्वभाव के और दयालु व्यक्ति हैं। जरूर अभिमन्यु की तुम्हारे ठेले पर नियत खराब होगी। मुखिया जी तुम्हारा ठेला लेकर क्या करेंगे? वो जरूर तुम्हारे ठेले को अभिमन्यु को ही दे देंगे। तुम्हारे पास जब ठेला ही नहीं रहेगा तो फिर तुम क्या करोगे? तब तक कोई ना कोई प्रबंध हो जाएगा। वैसे भी हमें कल मकान मालिक का किराया चुकाना तो है ही, 1500 रुपए तो मुझे वैसे भी मुखिया जी से मांगने पड़ते। अगले दिन दीक्षा जंगल में टूर पर चली गई। दीक्षा जंगल के घने पेड़ों को बहुत गौर से देख रही थी, तभी उसकी नजर एक बूढ़ी औरत पर पड़ी, और वो बूढ़ी औरत केले के पत्तों में कुछ पका रही थी। केलों के पत्तों में से बहुत अच्छी सुगंधित महक उठ रही थी। दीक्षा अपने आप को रोक नहीं पाई और उस बूढ़ी औरत के पास चली गई। ये क्या है माँ जी? ये केलों के पत्तों की बनी हुई बिरयानी है बेटी। ये कैसे संभव हो सकता है? बिल्कुल संभव हो सकता है बेटी, मैं इस रेसिपी को जानती हूँ। दीक्षा उस बूढ़ी औरत के चेहरे को गौर से देखने लगी। आपके चेहरे की झुर्रियाँ मुझे बता रही हैं कि आप इस जंगल की रहने वाली नहीं हैं, और ये रेसिपी भी इस देश की नहीं है। तुम तो बहुत ही विद्वान लड़की हो बेटी, तुमने कैसे अंदाजा लगा लिया? मैं दिन भर किताब में पढ़ती रहती हूँ, मुझे कुछ नया सीखने का शौक है। मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। क्या नाम है तुम्हारा? दीक्षा। दीक्षा, दीक्षा तुमने बिल्कुल सही पहचाना। मैं अपनी जवानी में ही आधी दुनिया घूम चुकी हूँ। मेरे परिवार वाले सभी मुझे छोड़कर विदेश में जाकर शिफ्ट हो गए। उस दिन के बाद इस दुनिया से मेरा दिल बिल्कुल हट गया और मैं जंगलों में ही अकेले रहने लगी। क्या आप मुझे ये रेसिपी सिखाएंगी? अगर कोई और कहता तो मैं उसे मना कर देती, लेकिन तुम बहुत ही विद्वान हो। तुम्हारी आंखों की चमक बता रही है कि तुम्हें आगे बढ़ने का बहुत शौक है। मैं तुम्हें जरूर बनाना सिखाऊंगी। बूढ़ी औरत ने दीक्षा को सारी विधि बता दी। शाम को दीक्षा अपने घर पर चली गई। समय ऐसे ही बीतता रहा। रमन का काम बिल्कुल बंद हो गया और मुखिया अभिमन्यु के साथ आकर रमन का ठेला छीन कर ले गया। रमन का व्यापार बिल्कुल ठप हो गया। उसके ऊपर मकान का किराया भी बहुत अधिक चढ़ गया था। कितनी बार आपको समझाया है लेकिन आपकी समझ में ही नहीं आया।
अरे क्या जरूरत थी बिटिया को इतना ज्यादा पढ़ाने की? अब बताओ बिटिया को पढ़ा लिखा कर क्या फायदा मिला? बिटिया के स्कूल में जितने भी पैसे खर्च हुए थे, अगर वो पैसे हम जोड़ कर रखते तो आज हमारे कुछ काम आते। अरे इसमें दीक्षा का कोई दोष नहीं है अनीता। तभी वहाँ दीक्षा आकर बोली, पिताजी मेरे पास एक उपाय है। कैसा उपाय बेटी? कुछ महीने पहले जब मैं जंगल में टूर पर गई थी, तो मैंने वहाँ पर एक बूढ़ी औरत से बिरयानी की नई रेसिपी सीखी थी। मुझे लगता है कि अगर वही बिरयानी हम अपने गांव में बनाकर बेचे तो हमें बहुत लाभ हो सकता है। ये कैसी बातें कर रही हो बेटी? तुम क्या कहना चाहती हो कि तुम्हारे पिताजी पुलाव वगैरह बनाते थे? अनीता मुझे लगता है कि दीक्षा बेटी सही बोल रही है। मुखिया जी भी यही बात बोल रहे थे कि आजकल भारत में नए नए व्यंजनों का दौर है। जब तक हम कुछ नया नहीं करेंगे तो ऐसे ही पिछड़ते रह जाएंगे। लेकिन समस्या ये है जी कि बिटिया की बात अगर मान भी ली जाए तो तुम वो बिरयानी बेचोगे कहाँ? ठेला तो वो अभिमन्यु छीन कर ले गया। आप उसकी चिंता मत कीजिए माँ। मैंने अपने घर की आर्थिक स्थिति की चर्चा अपनी टीचर से की थी। उनकी एक दुकान गांव में खाली पड़ी हुई है। उन्होंने मुझसे कहा है कि जब तक तुम्हारे पिता के पास पैसों का प्रबंध नहीं हो जाता, तब तक वो दुकान हम लोग ले सकते हैं। दीक्षा की बात सुनकर रमन खुश हो गया। अगले दिन दीक्षा रमन को खेतों में ले गई और अपने पिताजी के साथ बहुत सारे केलों के पत्ते तोड़कर उसे दुकान पर ले आई। रमन और अनीता ने उस दुकान की साफ सुथराई पहले से ही कर रखी थी। दीक्षा ने उन केलों के पत्तों में बासमती चावल कुछ अन्य सामग्री डालकर कुछ ही देर में पत्तों की बिरयानी बनकर तैयार हो गई। उसमें से इतनी अच्छी सुगंधित खुशबू उठ रही थी कि वहां से निकलने वाले लोग खुद को रोक नहीं पाए। एक व्यक्ति तुरंत आकर वहां पर बोला, अरे आपकी दुकान पर तो बहुत अच्छी सुगंध आ रही है, क्या ये कोई नया होटल है? रमन इससे पहले कुछ बोलता कि तभी दीक्षा उस आदमी से बोली, आपने बिल्कुल सही पहचाना, ये हमारा नया होटल है, केलों के पत्ते की बिरयानी वाला होटल। वो व्यक्ति तुरंत उस दुकान पर एक टेबल पर बैठते हुए बोला, मुझे भी एक प्लेट खानी है। दीक्षा ने उसे गर्मा गर्म बिरयानी परोस दी। वो व्यक्ति देखते ही देखते बिरयानी की 4-5 प्लेट खा गया। मजा आ गया। कितने हुए? 2,000 रुपए। उस व्यक्ति ने खुशी खुशी 2,000 रुपए दीक्षा को दे दिए। वो व्यक्ति शहर का रहने वाला था और एक फेमस यूट्यूबर था। अरे इस तरह का व्यंजन मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार खाया। मुझे नहीं लगता कि ये भारत में कहीं और बनता होगा। अगर आपको एतराज ना हो तो क्या मैं आपका एक फोटो केलों के पत्तों की बिरयानी के साथ सोशल मीडिया पर अपलोड कर सकता हूँ? क्यों नहीं, इससे तो हमारे होटल को बहुत फायदा होगा। उस व्यक्ति ने दीक्षा की एक तस्वीर केलों के पत्तों की बिरयानी के साथ खींच कर फेसबुक पर अपलोड कर दी और वहां से चला गया। रमन 2,000 देखकर बहुत खुश हुआ। इतने रुपए तो वो 10 दिन में भी नहीं कमा पाता था। देखा अनीता, बिटिया का पढ़ना लिखना कितना काम आया। सोचो अगर हम इसे नहीं पढ़ाते तो आज हमारी क्या स्थिति होती। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुझे तो अपनी सोच पर अब पछतावा हो रहा है। कुछ ही दिनों में देखते ही देखते दीक्षा का वो फोटो सारे इंडिया में वायरल हो गया। दीक्षा के होटल पर दूर दूर से लोग केलों के पत्तों की बिरयानी खाने आने लगे। कुछ ही महीनों के बाद रमन ने वो दुकान दिव्या के टीचर से खरीद ली। अब रमन का एक बहुत सुंदर मकान बन गया था और वो गांव दीक्षा का गांव देश भर में प्रसिद्ध हो गया। और ये बात अभिमन्यु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो मुखिया से बोला, अरे मुखिया जी ये तो आपकी इंसल्ट है। आपके गांव का नाम आपकी वजह से नहीं बल्कि दीक्षा की वजह से प्रसिद्ध हो रहा है। मुखिया अभिमन्यु से कुछ बोलता कि तभी मुखिया की पत्नी क्रोधित होकर बाहर निकल कर बोली, अब तुम्हें घर में आने की कोई जरूरत नहीं है। अरे ये क्या कह रही हो तुम, अभिमन्यु मेरा साथी है। तुम्हारा साथी नहीं बल्कि तुम्हारा दुश्मन। अरे तुम्हें तो दीक्षा को इनाम देना चाहिए। दीक्षा की वजह से हमारे गांव का नाम कितना प्रसिद्ध हुआ है, हमारे बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है। ये अभिमन्यु दिन भर गांव वालों के खिलाफ तुम्हारे कान भरता रहता है और तुम्हें भड़काता रहता है। इसकी वजह से तुम्हारी छवि कितनी खराब हुई है तुम्हें इसका अंदाजा भी है। मुखिया को अपनी पत्नी की बात समझ आ गई। उसने अभिमन्यु को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकाल दिया। शाम को मुखिया और उसकी पत्नी रमन के होटल पर
बिरयानी खाने पहुंच गए। अरे मुझे क्षमा कर दो रमन, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। अभिमन्यु की बातों में आकर मैंने तुमसे तुम्हारा ठेला भी छीन लिया। ऐसा नहीं है मुखिया जी, ये तो ईश्वर की लीला है। अगर आप ऐसा नहीं करते तो भला मैं इतना बड़ा आदमी कैसे बनता। लेकिन मैं कितना भी बड़ा क्यों ना बन जाऊं, आपसे हमेशा छोटा ही रहूंगा, क्योंकि आप हमारे गांव के मुखिया हैं। दीक्षा के केलों के पत्तों की बिरयानी आज भी शहर से लोग खाने के लिए आते हैं। एक जंगल में एक तालाब था जिसमें बहुत सी मछलियां और केकड़े रहते थे, और पास में ही रहता था एक दुष्ट सारस जो उन्हें खा जाता था। धीरे धीरे केकड़ों और मछलियों की तादाद घटती जा रही थी, पर आज का माहौल कुछ अलग ही था। क्या हुआ सारस, आज इतने उदास क्यों हो? आज नहीं खाओगे हमें? हाँ हाँ बोलो ना सारस, क्या हुआ? मैंने सुना है कि इस जंगल को खत्म कर दिया जाएगा, फिर ना ये तालाब रहेगा और ना ही ये पेड़, और तुम सब भी मारे जाओगे। मेरा क्या है, मैं तो उड़ के दूसरे जंगल में चला जाऊंगा, पर मुझे तुम सब के लिए बहुत बुरा लग रहा है। सारस की बात सुनकर सभी परेशान हो गए और सोचने लगे कि हम यहाँ से बाहर कैसे जाएं। तो उनमें से एक मछली ने सारस से कहा, सुनो सारस, क्या तुम हमें भी अपने साथ ले जा सकते हो? तुम्हारे लिए तो अच्छा ही होगा ना कि तुम हमें वहाँ ले जाकर खा सकोगे। मछली ने सोचा कि एक बार सारस उन्हें दूसरे तालाब में छोड़ दे, बस बाकी तो बाद में देखा जाएगा। पर मैं एक साथ तुम लोगों को नहीं ले जा सकता, तुम सभी एक साथ मेरी चोंच में नहीं आओगे। कोई बात नहीं, तुम एक एक करके हमें ले जाओ। हाँ, जब तक तुम एक को वहाँ छोड़ कर आओगे तब तक हम यही इंतजार करेंगे। ठीक है, यही सही रहेगा। एक को तो मैं अपनी चोंच से पकड़ कर तो ले ही जा सकता हूँ। सारस खुश हो गया कि ये सभी मछलियाँ जो उससे दूर भाग जाया करती थी और पकड़ में ना आने पर मेरा मजाक उड़ाती थी, आज खुद मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं। आज आया ना ऊंट पहाड़ के नीचे, हर रोज जब मुझे भूख लगती थी तो ये मुझे कितना तड़पाती थी, अब मेरी मदद मांग रही है। बेवकूफ मछलियाँ। तो सारस उन्हें दूसरे तालाब में छोड़ने के लिए राजी हो गया। उसने पहली मछली को अपने चोंच से पकड़ा और उसे ले गया। कुछ दूर जाकर वो एक चट्टान के पास रुक गया। सारस, यहाँ तो कोई तालाब नजर नहीं आ रहा है, ये तो कोई फरिश्ता लगता है। बिल्कुल सही कहा, यहाँ कोई तालाब नहीं है। बहुत हंसती थी ना मुझ पर, अब कभी नहीं हंस पाओगी। सारस मछली को खा जाता है और फिर उड़कर तालाब पर पहुँचता है दूसरी मछली को लाने। उसे भी उठाकर वो चट्टान पर ले जाता है। हमने तुम पर भरोसा किया था, तुम बहुत गंदे हो, तुमने हमारे साथ धोखा किया है सारस। सारस दूसरी मछली को भी खा जाता है। ऐसे करके दूसरे तालाब पर छोड़ने के बहाने वो एक एक करके सारी मछलियों को खा जाता है। और अब बारी आती है केकड़े की। वो केकड़े को उठाकर जा रहा होता है, पर रास्ते में केकड़े को मछलियों की हड्डियां दिखाई देती हैं, तो उसे शक होता है और वो उससे पूछता है, सारस हम कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो यहाँ कोई तालाब नहीं दिख रहा, ये तो रेतीला मैदान है। हाँ, तुम तो काफी समझदार निकले केकड़े, पर अब इस समझदारी का कोई फायदा नहीं, ये सब तुमने पहले सोचना चाहिए था। अब तो मछलियों की तरह मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा, बहुत मजा आएगा। पर केकड़ा भी कुछ कम नहीं था, उसे सारस की इस चाल पर बहुत गुस्सा आया और उसने सारस की गर्दन को कसकर पकड़ लिया और दबोच दिया। दुष्ट सारस, तुमने धोखे से मेरी सारी मछली दोस्तों को मार डाला, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, आज के बाद तू किसी भी मछली को नहीं खा पाएगा। केकड़े ने उसकी गर्दन पकड़ रखी थी, सारस उड़ नहीं पाया और लड़खड़ाकर नीचे गिर गया, और सारस के साथ साथ केकड़ा भी मर गया। इस तरह सारस को मारने के लिए केकड़े ने अपनी भी जान गंवा दी, ताकि वो सारस और मछलियों को ना खा सके। इसलिए तो कहते हैं कि हमें हर काम सोच समझ कर करना चाहिए और किसी की बातों में नहीं आना चाहिए। शौकत मियां की बिरयानी की दुकान थी,
लोग बड़े चाव से उनकी बिरयानी खाया करते थे। वाह शौकत भाई, क्या जायका है। शुक्रिया शुक्रिया। बिरयानी का स्वाद अच्छा था, इसलिए उनकी आमदनी बहुत अच्छी होती थी। शौकत मियाँ हर महीने 20,000 रुपए अपनी अम्मी के हाथ में रख देते थे। बेटा, अब जब तुम्हारी कमाई भी ठीक ठाक हो रही है, मैं सोच रही हूँ कि तुम्हारा निकाह करवा दूँ। वैसे भी कब तक मैं अकेले घर का और पूरे परिवार का कारोबार संभालूंगी। तुम्हारे निकाह के बाद तो नदीम का भी निकाह होगा। अरे अम्मी, मैं तो अभी भी बच्चा हूँ, आप पहले भाईजान का ही निकाह करवाओ। ठीक है ठीक है अम्मी, आपको जो लड़की पसंद हो वो मुझे मंजूर है। ये हुई ना बात, तुमसे मुझे यही उम्मीद थी शौकत। शौकत की अम्मी ने उसके लिए एक लड़की ढूंढ ली, सना। सना पढ़ी लिखी थी और खाना भी जायकेदार बनाती थी। कुछ महीनों बाद शौकत और सना का निकाह हो गया और फिर सना ने घर के सारे काम संभाल लिए। बेटा, तुम्हारे हाथों के खाने का जायका ही अलग है। हाँ भाभी, पर बिरयानी में भाईजान का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। हाँ वो तो है, अब वो तो तब पता चलेगा जब मैं उनके हाथों की बिरयानी खाऊंगी। भाईजान, आज सबके लिए बिरयानी ले आना। ठीक है, ले आऊंगा। शौकत की बिरयानी मशहूर थी। जब भी वो बिरयानी बनाया करता था, बिरयानी की खुशबू आसपास फैल जाती थी और लोग खींचे चले आते थे। अरे भाई, बिरयानी तैयार है क्या? नहीं भाईजान, 10 मिनट और लगेगा। ठीक है मैं यहीं खड़ा हूँ। ग्राहक तो शौकत की बिरयानी का इंतजार किया करते थे। यहाँ तक सब कुछ अच्छा चल रहा था, फिर शौकत के बगल में ही एक नया बिरयानी का दुकान खुला, अमजद का। अमजद पुराना खान समा था। अमजद की बिरयानी भी स्वादिष्ट थी और उसकी भी खुशबू आसपास फैल जाती थी। शौकत 100 रुपए में बिरयानी बेचता था, इसलिए अमजद 80 रुपए में बेचने लगा। ये अमजद मियाँ तो मेरा बैठे बिठाए धंधा खा रहे हैं, मुझे कुछ तो करना ही होगा, मैं भी दाम गिरा देता हूँ। शौकत ने भी बिरयानी का दाम घटाकर 80 रुपए कर दिया। रोज तो इसी दुकान से बिरयानी खाते हैं, चल आज उस नई दुकान से खाते हैं। ठीक है। कई ग्राहक बस नया स्वाद चखने के लिए अमजद की दुकान में जाने लगे, पर अमजद के हाथों में अलग ही जादू था। एक बार जो उसकी बिरयानी खाता, वो उसी की दुकान में वापस आया करता था। कल जो बिरयानी खाई थी ना, आज भी वही खाएंगे। हाँ बिल्कुल, उस बिरयानी को भूल ही नहीं सकता। धीरे धीरे शौकत के ग्राहक कम होते जा रहे थे। शायद ये बस कुछ ही दिनों की बात है, अमजद की दुकान नई है इसलिए लोग वहाँ बिरयानी का स्वाद चख रहे हैं। कुछ दिनों बाद मेरे ग्राहक लौट आएंगे। शौकत ने अपने आप को ये बात समझाने की कोशिश की, पर धंधे में नुकसान उसे सताए जा रहा था। अब घर पर भी वो अक्सर चिंता में रहा करता था। क्या हुआ शौकत, तू इतना परेशान क्यों है? अब क्या बताऊं अम्मी, मेरी दुकान के बगल एक और बिरयानी की दुकान खुल गई है। धीरे धीरे मेरे सारे ग्राहक वहीं जा रहे हैं। ऐसे चलता रहा तो एक दिन मुझे दुकान बंद करने की नौबत आ सकती है। ऐसा कुछ नहीं होगा बेटा, ला मालिक है, हो सकता है ये बस कुछ ही दिनों की बात हो। मैं भी यही उम्मीद कर रहा हूँ अम्मी। शौकत परेशान था और ये बात पूरे परिवार को बुरी लग रही थी। उस रात सना ने शौकत से पूरा माजरा पूछा। तो अगर दाम करने की वजह से ग्राहक दूसरी दुकान में जा रहे हैं, तो क्यों ना हम भी दाम कम कर देखें? हम कैसे दाम कर पाएंगे बेगम, बिरयानी की एक प्लेट बनाने में लागत ही 50 रुपए की है और हम 80 रुपए में बेच रहे हैं, मतलब बस 30 रुपए का मुनाफा है। अगर ये भी कम कर दिया तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? तो क्या हम बिरयानी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली चीजें सस्ती नहीं खरीद सकते? बिरयानी में सबसे महंगा चावल है, लगभग बासमती चावल कैसे सस्ते मिल सकते हैं? अब मैं बासमती चावल को सादे चावल के साथ बदल तो नहीं सकता ना। अगर हम बासमती चावल को किसी और चीज के साथ बदले तो? मतलब मैगी। मैगी की बहुत सारी जायकेदार चीजें बनती है, अगर हम मैगी की बिरयानी बनाए तो?
हमारी लागत भी कम हो जाएगी। मैगी बिरयानी, ये पहली बार सुना है। आजकल अलग चीज ही बिकती है, एक बार कोशिश करके तो देखते हैं। ठीक है, वैसे भी अभी कुछ चल नहीं रहा है तो वही कर लेते हैं। अगले दिन शौकत ने रोजाना की तरह बिरयानी बनाई और इस बार उसने बासमती चावल के बदले मैगी डाले। मैगी की बिरयानी जल्दी बन गई और उसकी लागत भी कम थी, इसलिए शौकत ने दाम भी 50 रुपए कर दिए। बाहर बड़ा सा बोर्ड लगा दिया, मैगी बिरयानी 50 रुपए। ये मैगी बिरयानी क्या होता है? मैगी पता है और बिरयानी भी पता है, पर मैगी बिरयानी आज तक नहीं खाई, चल आज वही खाते हैं। हाँ हाँ, मैगी बिरयानी का नाम पढ़कर कई ग्राहक उसकी बिरयानी खाने पहुँचे। वाह वाह, बहुत अच्छी है, ऐसी मैगी बिरयानी मैंने कभी नहीं खाई। वो इसलिए क्योंकि ये मैगी नहीं, मैगी बिरयानी है। वाह भाई, ऐसा स्वाद कहीं नहीं चखा। शुक्रिया शुक्रिया। लोग शौकत की बिरयानी को बहुत पसंद कर रहे थे। उस दिन शौकत की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। भाई, मैगी की बिरयानी तो चावल की बिरयानी से भी लाजवाब है, आज से हम रोज मैगी बिरयानी ही खाएंगे। शौकत खुशी खुशी घर गया और उसने ये खुशी की बात अपनी बेगम को बताई और वो भी खुश थी। उस महीने शौकत की बहुत अच्छी कमाई हुई। महीने के अंत में शौकत ने अपनी अम्मी को 40,000 रुपए दिए। इतना? हाँ अम्मी, सना की मैगी बिरयानी का आइडिया काम कर गया, दुगनी कमाई होने लगी है। एक बार फिर शौकत खुश रहने लगा, उसकी मुश्किलें हल हो गई क्योंकि उसकी आमदनी बढ़ने लगी। मैगी बिरयानी मशहूर हो गई।